quiz teachers पढ़ाए तो simple लगे everything. Leader boards and quizzes से learning हो जाए happening. समझ आएगा तो मजा आएगा. Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hello guys, hi. This is Amritraj. और आज गाइस हम लोग CBSE बायोलॉजी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे. राइट गाइस, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि बच्चे कह रहे थे कि सर बायोलॉजी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताओ. तो गाइस हियर आई एम फाइनली, वी आर गोना डिस्कस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी इन द क्लास 10th एग्जाम. तो गाइस इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? जनरली आप स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस करते हो कि इसमें ज्यादा मार्क्स है, उसमें ज्यादा मार्क्स है, बट बेटा बायोलॉजी में चैप्टर ही 6 है, 6 या 5 चैप्टर. एक तो चैप्टर केमिस्ट्री के साथ इंटरलिंक करता है ना, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह. तो गाइस इसमें कुछ ज्यादा स्कोप ही नहीं है. एवरी चैप्टर हैज 5 और 6 मार्क्स का वेटेज, बट स्टिल थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करेंगे आज हम पूरे चैप्टर की, पूरे कोर्स की. तो गाइस एक हमारा अमेजिंग सा कोर्स है, ठीक है, जो कि गाइस फ्लैट 9 रुपीज में, गाइस फ्लैट 9 रुपीज में आप हमारे सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज यूज कर सकते हो. ठीक है, 2000+ कोर्सेज है गाइस, तो कोई भी कोर्स यूज कर सकते हो. तो गाइस वेरी 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 अफोर्डेबल आई वुड से, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो गाइस. इंडिया के बेस्ट टीचर्स टीच करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो डू गेट यूज टू इट. तो गाइस ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है जो 2020 का होगा. ठीक है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एनालिसिस क्या होता है ये. ठीक है, देखो गाइस 21 मार्क क्वेश्चन होंगे हमारे, 21 मार्क क्वेश्चन होंगे. उसमें से गाइस दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन गाइस 8 होंगे, 8 वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब सिंगल वन वर्ड आंसर देना पड़ेगा. गाइस दीज 20 मार्क्स आर लो हैंगिंग फ्रूट्स. ठीक है, ये तो 20 के 20 आपको होने चाहिए, बट ये सीबीएसई ने स्पेशली दिया बच्चों को ताकि वो लोग पास हो सके. ठीक है, तो ये तो गलत करना ही नहीं है. तो गाइस इसमें फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 2, बायो में 2 होंगे. गाइस ये तो टेंटेटिव है. ठीक है, टेंटेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% फिक्स्ड है. गाइस सीबीएसई कुछ भी कर सकता है. ठीक है, 4 या फिर 3 3 3 3 3 भी हो सकता है. ठीक है, 4 2 2 और 1 भी हो सकता, लाइक टोटल 8 रहेगा. 4 3 1 और यू नो 4 3 3 या 4 2 2, एनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. समझ रहे हो मतलब? तो ऐसा नहीं कि ये मत बोलना सर फिजिक्स में आपने कहा था 4 आएंगे, बस 2 ही आए हैं. तो गाइस एनीथिंग इज वेरिएबल, बस आपको ये देखना है कि वेरी शॉर्ट आंसर 8 आएंगे. MCQ गाइस, ये तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट टू गेट 10 आउट ऑफ 10 इन दिस, बिकॉज इसमें क्या होगा, ऑप्शन भी दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, है ना गाइस? तो फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 4 और बायो में 3 आने की पॉसिबिलिटी है. सैम्पल पेपर वगैरह हमने एनालिस करके और थोड़ा बहुत जो सीबीएसई ने बताया है उसके बेसिस पे ये एनालिसिस है. बट गाइस एज आई कीप सेइंग, एमसीक्यू 10 रहेंगे फॉर श्योर, वेरी शॉर्ट आंसर्स 8 रहेंगे फॉर श्योर, असर्शन रीजन 2 रहेंगे गाइस, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री 1, यू नेवर नो, बायो में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में ना आए, या फिजिक्स में आ सकता है, केमिस्ट्री में ना आए. ठीक है गाइस, तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. कूल, और जो सीबीएसई ने अभी तक बताया, तो दिस इज व्हाट इट इज. तो दिस इज व्हाट 20 मार्क्स. देन गाइस सेक्शन बी विल बी ऑफ शॉर्ट आंसर्स. शॉर्ट आंसर मतलब you know, you can say 3 markers. ठीक है, 3 markers. 3 markers में आपको क्या करना है बेटा, आपको 3 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने ही लिखने हैं, 3 पॉइंट लिखने हैं. और बायो में आई वुड से आपको डायग्राम जरूर बनाना है, 100% आपको डायग्राम बनाना है. या तो ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसका डायग्राम बनाओगे. आप समझ रहे हो? तो गाइज आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना है. तो जैसे मैंने बताया था टोटल मार्क्स गाइस 30 है इसके. ठीक है, तो 10 क्वेश्चन होंगे गाइस, फिजिक्स में भी हो, केमिस्ट्री में भी हो, डायग्राम जरूर बनाना है. तो गाइस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ओवर हियर? डायग्राम, एग्जांपल्स गाइस, इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड, पूछा ही नहीं है, फिर भी ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स विल ड्रॉ डायग्राम्स एंड एग्जांपल. गाइस जरूर बनाना है, वरना आपकी क्या होगी, पिटाई होगी. जो बच्चा डायग्राम और एग्जाम्पल्स नहीं लिखेगा उसकी बहुत पिटाई होगी, वर्चुअल. ठीक है, मेरी तरफ से, है ना गाइस? आई वांट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स टू राइट डायग्राम एंड दिस थिंग. कूल गाइस, फिजिक्स में जनरली 3, केमिस्ट्री में 3, बायो में 4 आने की पॉसिबिलिटी है, बट एज आई कीप सेइंग गाइस वेरिएबल है. 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे, बट वेरिएबल है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. सी सेक्शन गाइस 5 मार्क्स, अगेन डायग्राम एंड एग्जाम्पल 100% मस्ट. गाइस मैं बता रहा हूं एक टॉपर और एवरेज बच्चे में बस यही डिफरेंस है डायग्राम और एग्जांपल्स का, ठीक है। तो वो हम आने नहीं देंगे। लॉन्ग आंसर्स होंगे गाइस, 6 क्वेश्चंस, 2 फ्रॉम फिजिक्स, 2 फ्रॉम केमिस्ट्री, 2 फ्रॉम बायो, सब में इक्वल रहेगा, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो एज आई सेड गाइस टोटल मार्क्स 80, ठीक है, 36 क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स में 27 मार्क्स, केमिस्ट्री 26, बायो 27 गाइस, बट ये भी थोड़ा वेरिएबल है, ऐसा हो सकता है बायो 26 की आ गई है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री 27 का आ गया, फिर फिजिक्स 26 का आ गया, केमिस्ट्री और बायो 27 का आ गया, इट्स टोटली वेरिएबल। बट द क्वेश्चन, द फिक्स थिंग इज 36 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का रहेगा, है ना, 20 मार्क्स सेक्शन ए, सेक्शन बी 30 मार्क्स, 30 मार्क्स सेक्शन सी, ये 100% फिक्स्ड है। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स्ड है। समझ आ रही है बेटा? स्मार्ट बच्चे की तरह हमें, अब हम रेडी है, वी आर लुकिंग एट द लेआउट ऑफ द एग्जाम। अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं गाइस। देखो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इफ यू सी 3 to 5 मार्क्स का आता है बेटा। कई बार ऐसा होता है एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 3 to 5 मार्क्स का रहता है। तो गाइस अगर आप देखोगे ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आई वुड से इसको नेगलेक्ट नहीं करना गाइस। आपको पता नहीं है, कई बार इसमें मान लो 6 to 8 मार्क्स का आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यू नेवर नो, कुछ भी वेरिएबल है। देन आर एनवायरमेंट गाइस, जनरली हम नेगलेक्ट करते हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 3 to 4 मार्क्स, कई बार गाइस उससे भी ज्यादा आ जाता है, ठीक है, या कम भी हो सकता है, क्वेश्चन आए भी ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 1 or 2 मार्क्स, बट गाइस आई वुड से 3 मार्क्स तो मिनिमम आएगा ही आएगा, किसी भी चैप्टर में मिनिमम 3 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, लाइक हर चैप्टर से, ठीक है। तो किसी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना गाइस, किसी भी चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना। मेरे स्टूडेंट्स तो एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे, यू आर गोना स्टडी ईच एंड एवरीथिंग एंड अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो गाइस लेट्स सी द चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। इट स्टार्ट्स विद अ लाइफ प्रोसेस बेटा, है ना, लाइफ प्रोसेस हमारा पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। इसमें गाइस 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर, इसमें 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन, है ना, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो गाइस ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें ज्यादा 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गाइस, अगेन अ बिग चैप्टर, 8 to 10 मार्क्स गाइस, 5 मार्क्स जनरली ना लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आता है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस गाइस, 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली आ सकता है गाइस। ये जस्ट टेंटेटिव है, ठीक है, टेंटेटिव है, ऐसा नहीं है, बट इफ स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आर नो डाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट गाइस यू नेवर नो जो एग्जाम सेटर है उसका माइंड, आपको यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, कुछ भी कभी भी आ सकता है गाइस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे करो। और माय स्टूडेंट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर विद द सेम डेडिकेशन, ठीक है, सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस आपको सब चैप्टर्स को देनी है, ठीक है गाइस। मूविंग फॉरवर्ड, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन गाइस, दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट लाइक किस एक ईयर में बस एक ही क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का, ठीक है, बट समटाइम्स दे गिव मोर क्वेश्चंस, तो 3 to 5 मार्क्स, है ना, तो इट्स आल्सो गुड हैवी चैप्टर। आर एनवायरमेंट गाइस 3 to 4 मार्क्स, बट गाइस ट्रस्ट मी ये भी थोड़ा हैवी है, लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट, ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, आपको क्या पता 5 मार्कर ही आ जाए, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस करा था आर एनवायरमेंट चैप्टर में, जब मैं स्कोर बूस्टर सीरीज कर रहा था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक 5 मार्कर आ जाएगा, इज वेरी मच पॉसिबल। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गाइस, इसमें 1 to 3 मार्क्स गाइस, आई वुड से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक 5 मार्कर आ सकता है गाइस। मतलब डेफिनेटली अभी तक के जितने ही पैटर्न हुए इसको थोड़ा कम वेटेज है, बट गाइस ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूं आपको भरोसा नहीं होगा कि कब कुछ बाउंसर आ जाए। लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट राइट, इजी बॉल तो एवरीवन विल हिट, यू नेवर नो व्हेन द बॉलर इज गोना बॉल अ बाउंसर और यॉर्कर आ जाए और आपकी विकेट उड़ जाए, ठीक है, विकेट उड़ने नहीं देंगे, वी विल बी स्टेइंग एट योर आवर प्लेस, वी विल प्ले इट वेरी सेफ, सेफ इन द सेंस वी विल बी रेडी फॉर एनी बॉल, वी विल बी विराट कोहली, है ना, वी विल बी लाइक विराट कोहली एंड विल बी रेडी फॉर ऑल द बॉल्स, जो भी बॉल आए प्रॉपर 6 मारेंगे, ठीक है गाइस। आर यू टू अंडरस्टैंड? ये टेंटेटिव है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस। फर्स्ट 3, फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट गाइस ट्रस्ट मी, मैंने देखा है स्टूडेंट्स ये 2 चैप्टर को नेगलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स टेन टू नेगलेक्ट दीज 2 चैप्टर, बट आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द चैप्टर्स विच विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज परफॉर्मर एंड द टॉप परफॉर्मर। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टॉप परफॉर्मर, माई स्टूडेंट स्पेशली विल नेवर लीव अ चैप्टर एंड गो फॉर द एग्जाम। कूल गाइज, देयर इज ओनली वन thing that makes a dream impossible to achieve, that is guys fear of failure. I want all my students to be, you know, non-fearful. Guys, you should not be afraid of anything. You're my students, okay? You are my students. You all have got muscles. You have studied with me. And whenever you feel scared, imagine I'm standing there with you and you all are gonna rock, okay? No one should be scared. No one should be tense. Whenever you feel tense, imagine I am there with you, okay? Imagine I am there with you and we are gonna rock the exam. Guys, so no fear of failure, because that's the only thing which will stop you from attaining your, guys, true potential. Trust me, everyone, whoever is writing the exam will be tensed. Everyone will feel fear. But guys, it is not fear. It's a perception. You should say you are excited. And it's the name which you give to your body arousal. What are you? You're excited. You're going to be excited, guys. You're not fearful, or, you're not scared. You're just excited for writing the exam, because you're going to prove the, you're gonna show the paper, है ना, कि आपने एक साल भर मेहनत करी है. It's the time to perform, and you're gonna be very very excited, guys. And I know that, है ना. And guys, believe you can, and you are halfway there, guys. Just believe in you. We believe in you. I totally believe in you, guys. I am not worried about your marks and anything. Trust me on this. If you just put in effort, that is sufficient for me, guys. मेरी तरफ से unconditional love, कोई conditions नहीं है. I love you all, I love you a lot, है ना. You just put in effort, बस marks की कोई बात नहीं है, guys. You just believe in yourself and you're gonna rock it. I know it. I believe in you, and guys, you guys are definitely gonna rock. Guys, subscribe to your favorite channel, है ना. That is Vedantu 9th and 10th, and like the video, guys, if you like the session. And do let me know, guys, in the comments box, how did you like the session. And yes, guys, reach out to me at amrit.raj@vedantu.com, and keep smiling, guys, and we are going to rock this exam this time. Cool, bye bye, have a good day.